चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। तो हेडिंग दीजिएगा डिटरमिनेंट। आज के टॉपिक का हेडिंग हम लोग का रहेगा क्या, डिटरमिनेंट, ठीक है। और डिटरमिनेंट का हिंदी होता है सारणिक। डिटरमिनेंट का हिंदी क्या होगा, सारणिक। क्लियर। तो लिख लिए डिटरमिनेंट का हिंदी क्या हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आते हैं डिटरमिनेंट कहते किसको है, पहले इस चीज पे हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं और मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े हुए थे कि मैट्रिक्स क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है और स्क्वायर हो सकता है। उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि इसमें जो नंबर ऑफ रो बराबर अगर नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो उसी तरह से जो डिटरमिनेंट है ना, तो डिटरमिनेंट आपका रिलेटेड होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट से। बात समझ में आया ना कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग सॉल्व करके, ठीक है, जब एक नंबर लाते हैं तो उससे जो वो नंबर मिलता है उसको सॉल्व किया जाता है ना, तो उसी नंबर को हम लोग क्या कर देते हैं, डिटरमिनेंट कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो डिटरमिनेंट क्या होगा कि एक नंबर होता है जो कि रिलेटेड होगा किसके, स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि डिटरमिनेंट लिखे, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या होगा, किससे एसोसिएटेड होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट से संबंधित होगा, ठीक है। बढ़िया। तो अब उसके बाद देखिए, अब डिटरमिनेंट का जो वैल्यू निकाला जाता है, बात समझ में आया ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मैट्रिक्स को तो डिनोट करते थे इस तरह, मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट रहता था उसको या तो हम लोग बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखते थे, नहीं तो छोटा कोष्ठक के अंदर में लिखते थे, नहीं तो यहाँ डबल लाइनिंग इस तरह करके लिखा जाता था। इसके अंदर में हम लोग एलिमेंट्स को सजा कर लिखते थे, ठीक है। तो अब जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है तो डिटरमिनेंट के वैल्यू को हम लोग डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मॉड का यूज करते हैं, यानी मॉडुलस, दो खड़ा लाइन का, ठीक है। तो इसीलिए जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स आता है ना, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को भी हम लोग अरेंज कर देते हैं दो खड़ा लाइन के अंदर में अरेंज कर देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो और उसी को जब हम वैल्यू के फॉर्म में जब निकालेंगे तो वही मेरा वैल्यू क्या दे देगा, डिटरमिनेंट दे देगा। क्लियर है। तो चलिए तो आगे पॉइंट देकर लिखते चलेगा, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड विद इन टू वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, within two vertical straight line, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट्स होगा, तो जैसे मैट्रिक्स के लिए तो हम लोग लिख लिए, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट हम लोग करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर या दो इस तरह लाइन के अंदर हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर डिटरमिनेंट के लिए स्पेशल अगर क्वेश्चन अगर आपको लिखना होगा तो डिटरमिनेंट के लिए उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लोग लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 अगर इस तरह लिखा गया तो ये तो हम लोग समझते हैं कि किसमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स में दिया हुआ है। लेकिन अगर इसको इस तरह नहीं लिखकर अगर हम ऐसे लिख दें 1, 2, 3, 4 तो ये क्वेश्चन हम लोग समझते हैं किसमें दिया हुआ है, डिटरमिनेंट में दिया हुआ है। बात समझ में आया कि यानी दो स्ट्रेट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के बीच में हम लोग उस सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत
आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय। देखिएगा डिटरमिनेंट का शॉर्ट फॉर्म डीईटी ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहां ब्रैकेट में लिखेंगे सिंबल, बात समझ में आया। और सिंबल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स से जिससे डिनोट करेंगे वही सिंबल यहां आने वाला है, ठीक है। या तो इस तरह हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, या तो दो खड़े लाइन के अंदर में इस तरह डिनोट किया जा सकता है। जस्ट बताया अभी मॉड का यूज करेंगे ना, ये मॉड का साइन है, ठीक है। उसके बाद या उसको हम लोग डेल्टा, ये इसको पढ़ेंगे हम लोग डेल्टा, या ट्रायंगल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे डिनोट करने के पीछे का रीजन क्या होता है कि डिटरमिनेंट का यूज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए करते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, बात समझ में आए ना। तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम डिटरमिनेंट के मेथड से निकालते हैं, इसीलिए उसका यूज हम करेंगे डेल्टा से भी, कोई दिक्कत। तो अभी जस्ट हम जैसे लिखे तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए रहा होगा तो उसका अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे, डीईटी ऑफ ए, यानी सिंबल की जगह ए आ गया, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए, ठीक है। इसको या तो मॉड ए पढ़ेंगे या डिटरमिनेंट ए पढ़ेंगे, ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा। तो डेल्टा में तो कोई भी सिंबल का काम नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। इसको जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, इतना नोट कर लिए। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि डिटरमिनेंट आपका एक नंबर होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, एक नंबर होगा। तो जब डिटरमिनेंट एक नंबर होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो साइन होगा, उसका कुछ ना कुछ तो साइन होगा, यानी साइन कहने का मतलब या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। तो डिटरमिनेंट का भी साइन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग देंगे साइन ऑफ डिटरमिनेंट। नेक्स्ट हेडिंग साइन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं साइन ऑफ डिटरमिनेंट पे, यानी सारणिक का चिन्ह। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सारणिक का चिन्ह। तो देखिए साइन ऑफ डिटरमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आता है हम लोग के पास कि माइनस, अगर केवल माइनस लिख देते हैं या माइनस वन लिख दीजिए, पावर आई प्लस जे, तो चाहे तो आप लोग इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अब यहां ध्यान दीजिएगा कि माइनस वन का पावर अगर आई प्लस जे कीजिएगा तो यहाँ इवन भी आ सकता है और भी आ सकता है, क्योंकि आई और जे के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे मैट्रिक्स में कि वो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट के पोजिशन को डिफाइन करता है। आई और जे किसका यूज, आई और जे का यूज क्या था, एलिमेंट्स का पोजीशन को डिफाइन करना, जैसे A11, A12, यानी A11 पोजीशन पे मेरा कौन सा एलिमेंट था तो वहां आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1 था। तो ये केवल और केवल पोजीशन को डिनोट करता है। तो अगर आई प्लस जे का सम, आई और जे का सम इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, तो अगर माइनस 1 का पावर अगर ऑड हुआ तो माइनस आएगा, ठीक है। माइनस वन का पावर ऑड हुआ तो माइनस आएगा, और माइनस वन का पावर इवन होगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार प्लस वन और एक बार माइनस वन मिलने वाला है, तो प्लस वन मिलेगा तो वहां का साइन प्लस केवल लिखेंगे वन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम साइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमको वहां का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए कि वन आ रहा है कि माइनस वन आ रहा है, केवल और केवल उस जगह का चिन्ह चाहिए, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस का पावर आई प्लस जे, चाहे तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वहां जो वन आने वाला है प्लस वन या माइनस वन, तो वन को नहीं कंसीडर करेंगे, वन के साथ जो साइन रहेगा केवल उसको कंसीडर करेंगे। तो ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला, क्या हो गया मेरा फॉर्मूला। अब देखिए इसी को ट्रिक से कैसे हम लोग देखेंगे, तो
हम लोग देख लेते हैं यहाँ ट्रिक, और ट्रिक जस्ट अभी बताए कि इफ I प्लस जे, सम छोड़ देते हैं, I प्लस जे इज, ठीक है, यहां से दो केस बनेगा, एक तो बनेगा इवन, इवन का मतलब सम, ठीक है, और दूसरा बनेगा क्या, और यानी विषम, ठीक है ना, एक बनेगा इवन यानी सम और दूसरा बनेगा और यानी विषम। तो जब सम होगा तो उस जगह का साइन मेरा पॉजिटिव मिलेगा, और जब विषम होगा तो उस जगह का साइन निगेटिव मिलेगा, ठीक है, तो ये ट्रिक रहा, यानी दूसरा मेथड, इस तरह भी हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन को निकाल सकते हैं। और तीसरा मेथड क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा मेथड क्या होगा, किसी भी एक जगह का, इसको नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए इसको, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि किसी भी एक जगह का, किसी भी एक पोजीशन का, क्योंकि आई और जे पोजीशन दे रहा है, फिर से एक बार बताएंगे, आई और जे का यूज हम लोग पोजीशन फाइंड करने के लिए करते हैं, तो किसी भी एक पोजीशन का हम लोग क्या करेंगे, साइन निकालेंगे किसी भी एक पोजीशन का, ठीक है, और उसके बाद उसको अल्टरनेट करते चलेंगे। अल्टरनेट करने का मतलब कि जैसे मान लो पहले प्लस आ गया, तो प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि साइन अब कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सपोज कीजिए, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप लोग को बार बार एक चीज बताते थे कि मेरा एन और एन तो बराबर होगा, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका ऑर्डर क्या कहिएगा, मान लीजिए 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, तो उसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं, ऑर्डर 2 भी कह सकते हैं, यानी ऑर्डर 2 कहने का मतलब ये स्क्वायर है तो उसमें दो रो और दो कॉलम आने वाला, तो 2x2 अब कहने से हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वे में इसको लेके चलेंगे, तो लिखेंगे ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, तो इसका मतलब समझिएगा कि सर ऑर्डर 2 लिखे हैं ना, तो उसमें दो रो है और दो कॉलम, ठीक है, ये मत समझिएगा कि ऑर्डर 2 का मतलब केवल और केवल उसमें दो रो है या केवल दो कॉलम है, वैसा नहीं, दोनों दो दो, क्लियर, तीन लिखने का मतलब दोनों तीन तीन, तो ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का मतलब क्या होगा कि वहां मेरे पास 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स था, अब उसको हम लोग लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ए दिया हुआ है तो अब डिटरमिनेंट के तरह ही इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ a11, a12, a21 और a22 लिख दिए, अब उनको इसका साइन लिखना है, क्या लिखना है, साइन, तो एक तरफ यहाँ साइन कर देते हैं, तो जब इसका साइन लिखेंगे तो a बराबर, केवल साइन लिख रहे हैं तो छोड़िए, a बराबर लिखने का कोई जरूरत हमको नहीं लगता है, a11 यानी देखिए तो 1+1, अगर फॉर्मूला पे जाते हैं तो माइनस या माइनस 1 का पावर, i की जगह 1 है और j की जगह 1 है, तो i प्लस j की जगह तो माइनस 1 का पावर 2 या माइनस का पावर 2, तो वो कुछ प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ ट्रिक से भी चल सकते हैं, फॉर्मूला से भी चल सकते हैं, या अभी जस्ट एक और ट्रिक बताए हैं कि कहीं का भी किसी भी पोजीशन का आप साइन निकाल लीजिए और उसके अगल बगल जितना है ना सबको अल्टरनेट करते चलिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ का साइन निकाल लेते हैं a22 का, तो 2+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का मतलब सम है, इवन है, तो वहां का साइन प्लस होगा। अब देखिए तो इसके बाएं में एक है और इसके ऊपर में एक है, इसके बाएं में एक है तो प्लस के जस्ट बगल में माइनस होगा, प्लस के जस्ट ऊपर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट करना, ठीक है, फिर इसके बगल में एक है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक, तो इस तरह साइन निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑर्डर 3 का अगर निकालना होगा तो हम डायरेक्ट साइन ही लिख देते हैं, ऑर्डर 3 का प्लस माइनस यहां लिख देते हैं ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 का अगर साइन लिखना होगा तो बताइएगा प्लस माइनस, प्लस हाँ प्लस माइनस, माइनस प्लस के नीचे अल्टरनेट करना है ना, तो माइनस इसके बाद प्लस, इसके बाद प्लस माइनस, बस हो गए, तो ये मेरा साइन लिखने का क्या होगा तरीका, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो
एक्सटेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। नेक्स्ट हेडिंग एक्सटेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। एक्सटेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग चल रहे हैं कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, तो एक क्वेश्चन यहां हो सकता है कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। रिलेशन तो यहां हो गया, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के बीच का रिलेशन समझ गए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा, यानी उससे संबंधित होगा। अगर हमको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिया होगा तो उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। क्लियर है, समझ रहे हैं ना? अगर उसके रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया रहेगा तो उसका डिटरमिनेंट नहीं निकाला जा सकता, लेकिन स्क्वायर दिया रहेगा तो ही उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो दोनों में रिलेशन हो गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? नजीब बालक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द डिटरमिनेंट? देखो मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, केवल और केवल ऑपरेशन कर सकते, केवल ऑपरेशन कर सकते, ठीक है? और डिटरमिनेंट में ऑपरेशन प्लस उसका वैल्यू निकालना दोनों किया जा सकता है। ऑपरेशन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 4.2, तो उसमें ऑपरेशन करना है रो और कॉलम में, इसे हम लोग 3.4 पढ़े थे ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो उस तरह का ऑपरेशन हम लोग इसमें करेंगे 4.2 में। लेकिन दो मैट्रिक्स को जैसे ऐड करते थे, माइनस करते थे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते थे और मल्टीप्लीकेशन करते थे, उस तरह का कोई भी चीज यहाँ डिटरमिनेंट में नहीं होने वाला है। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हो सकता है, उसके वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैट्रिक्स में वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। बात समझ में आया ना? तो यही दोनों में डिफरेंस, ठीक? तो कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, तो ये बता सकते हैं। उसके बाद ये भी बता सकते हैं कि मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट को जब हम लिखते हैं मैट्रिक्स से तो हमेशा ये स्क्वायर के ही फॉर्मेट में रहना चाहिए, ठीक है ना? तो आप आगे इस पे बढ़े, तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब कि अब डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स से, इस पे हम लोग को चर्चा करना है। और इस पे हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे हम ऑर्डर टू के लिए, केवल पहले ऑर्डर टू, उसके बाद बीच में एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे माइनस, ठीक है, जिसको हम लोग उप सारणिक करेंगे, ठीक है ना? सब्स्टिट्यूट समझते हैं, जैसे सेट का क्या होता है सबसेट, तो उसी तरह से डिटरमिनेंट का भी सबसेट टाइप का होता है जिसको हम लोग माइनस करते हैं, ठीक? यानी उसी डिटरमिनेंट से टूट के एक और डिटरमिनेंट बनने वाला है। तो अभी जस्ट फॉरवर्ड, तो सपोज कीजिए कि कोई मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे दिया होगा A11, A12, A21, A22, ठीक है, या तो इस तरह दे दे, कभी कहीं इसी को ऐसे भी दे देगा A11, A12, A21, A22, और अगर कहे कि हाँ यहाँ हमको मॉड ए का वैल्यू निकाल के बताइए, तब ये चक्कर में नहीं आप लोग पढ़ जाएंगे कि जा सर तो बताएं कि दो स्टेट लाइन के अंदर में हम लोग एलिमेंट को लिखेंगे तो केवल यही डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसा नहीं है। ये डिटरमिनेंट नहीं है, डिटरमिनेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा जो इसका वैल्यू निकलेगा। ये सारा का सारा मैट्रिक्स है और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो A11, A12, A21, A22 या A11, A21, A12 और A22, ठीक है? बात समझ में आया? इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सारा का सारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्क्वायर मैट्रिक्स को, लेकिन जैसे ही इसका हम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ ये डिटरमिनेंट है। बात समझ में आया? तो ऐसे दिया रहा है, ऐसे दिया रहा है, ऐसे दिया रहा है या ऐसे दिया रहा है, लेकिन जहां आपको ऐसा दिख जाए कि हाँ ये निकालो, ठीक है, या डीटी ऑफ ए निकालो, तो इसका मतलब है ये डिटरमिनेंट का, क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो अब इसके वैल्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हमेशा सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट याद कीजिए AII, ठीक? तो पहले इससे इसको गुना करेंगे, यानी इससे इसको गुना कर देते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा A11, A22 और बीच में माइनस देंगे, माइनस क्यों देंगे, तो यहाँ प्लस है और इसके बाद यहाँ का साइन माइनस है,
यही साइन यहां बीच में उठ गया था, तो माइनस ए टू वन इंटू ए वन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं कोई दिक्कत। अगर तुम लोग कहो, अब कहोगे कि सर हमेशा हम इससे इसी को कहे गुणा करेंगे, ठीक है, तुम्हारा मन, तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले इससे इसको गुणा करोगे ठीक है, तो यहाँ का साइन क्या है? माइनस माइनस ठीक है, यहाँ माइनस वाला टर्म पहले आ जाएगा, यानी ए टू वन ए वन टू ठीक है, फिर प्लस क्यों, तो यहाँ प्लस का साइन है तो ए वन वन ए टू, तुम ऐसे लिखो तब या ऐसे लिखो तब बात बराबर ही होगा ना, ठीक समझे ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस पर चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल अगर दे दे ए बराबर माइनस टू फोर माइनस थ्री माइनस फोर ठीक है, अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, यानी डिटरमिनेंट ए, तो माइनस चार और माइनस दो से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस सोलह होगा, और यहाँ माइनस थ्री और प्लस फोर में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ट्वेल्व होगा, लेकिन बीच का साइन माइनस है ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एट माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व कितना हो जाएगा, माइनस फोर में माइनस टू से करेंगे तो प्लस सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा ट्वेंटी ठीक, कोई दिक्कत। तो ये मेरा एक्सटेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ऑर्डर थ्री पे चलते हैं, इस पे चलते हैं ऑर्डर थ्री। अब ऑर्डर थ्री को कैसे तोड़ेंगे, फॉर ऑर्डर थ्री यानी थ्री क्रॉस थ्री का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो ए बराबर ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री ठीक। अब हमको इसमें डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, समझे? अब इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आप डिटरमिनेंट को जिस तरह चाहे उस तरह तोड़े, यानी जिस रो से या जिस कॉलम से आप चाहे तोड़ना, उस रो या उस कॉलम से आप क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि हम इसको अगर R1 से तोड़ने जा रहे हैं, कैसे तोड़ने जा रहे हैं R1 से, तो यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इसके अलावा इसको तोड़ने जा रहे हैं हम R1 के अलावा, तो R1 से तोड़िए, R2 से तोड़िए, R3 से तोड़िए, या C1 से तोड़िए, C2 से तोड़िए, C3 से तोड़िए, जैसे भी तोड़िएगा वैसे आपका वैल्यू सेम आएगा, वैल्यू आपका डिफरेंट नहीं आने वाला। तो अगर थ्री क्रॉस थ्री का है तो मेरा कितना मेथड हो जाएगा इसको तोड़ने का, छह मेथड हो जाएगा ठीक है ना, तीन R1 से और तीन कॉलम से, सॉरी तीन रो से और तीन कॉलम से, यानी टोटल छह मेथड से हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू तोड़ सकते हैं है कि नहीं। तो अब यहां हम क्या करेंगे, जिसके भी अलोंग तोड़ना होगा सबसे पहले उसका साइन हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे ठीक है, जैसे R1 के अलोंग तोड़ना था तो यहाँ का साइन प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसको साइन आप लोग को लिखना नहीं है यहाँ पे, इसको दिमाग में बैठा के रखना ठीक है, जस्ट बोले यहाँ लिखना नहीं है, इसको दिमाग में बैठा के रखना है कि वहां का साइन क्या क्या होने जा रहा है ठीक। तो अब यहाँ सबसे पहला एलिमेंट R1 का जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको लिखते हैं ठीक है, विथ साइन, यहाँ का जो भी साइन है उस साइन के साथ R1 का पहला एलिमेंट, तो यहाँ का साइन पॉजिटिव है और यहाँ क्या है ए वन वन, तो अब यहाँ सबसे पहला काम डिटरमिनेंट ए बराबर लिख देंगे ए वन वन, अब इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब प्लस ही है ठीक है। और जब जैसे ही पहला एलिमेंट लिखेंगे तो कुछ देर के लिए भूल जाएंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी जिस रो और जिस कॉलम का वो एलिमेंट है उस रो और उस कॉलम में मेरे पास कुछ भी नहीं है ठीक है, पांच मिनट के लिए दिमाग से मेरा आउट हो जाएगा कि इस रो में और इस कॉलम में कुछ भी नहीं था, तो बचेगा कौन, यही चारों बचेगा ना,
अगर इसको इसको हम डिलीट कर देते हैं तो बच जाएगा क्या, जो बचेगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, तो ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, सॉरी थ्री टू और ए थ्री थ्री। यानी कि हम जब इसको लिखेंगे तो इसको और इसको गायब करने वाले हैं, तो यही चारों ना बचने वाला है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स यानी ऑर्डर टू के स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख देंगे। तो ये पहला एलिमेंट का काम खत्म। उसके बाद क्या करना है, दूसरे वाले एलिमेंट को भी साइन। तो यहाँ का साइन क्या है और यहाँ का एलिमेंट क्या है, ए वन टू। तो यहाँ लिखेंगे माइनस ए वन टू, फिर से और फिर से फर्स्ट वाले रो को भी गायब करना है लेकिन सेकंड वाले कॉलम को गायब कर देना है। तो इस रो और इस कॉलम को गायब कीजिएगा तो बचेगा टू वन टू थ्री, थ्री वन थ्री थ्री, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे ए टू वन, ए टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री वन और ए थ्री थ्री, लिख दिए। कोई दिक्कत? उसके बाद आप किसका वाली, इसका, तो यहाँ का साइन प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस और ए वन थ्री। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अब इस रो और इस कॉलम को गायब करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, नहीं हाँ ए थ्री वन और ए थ्री टू। और इसके बाद क्या करना है, तो आप लोग समझ रहे हैं ये ऑर्डर टू का है, इसको तोड़ेंगे फिर ए वन वन से गुना कर देंगे, फिर इसको तोड़ेंगे ए वन टू से गुना कर देंगे, फिर इसको तोड़ेंगे और ए वन थ्री से गुना करेंगे, जहां प्लस करना है वहां प्लस करेंगे, जहां माइनस करना है वहां माइनस करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मेरा रहेगा ऑर्डर थ्री का डिटरमिनेंट, तो कैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे ये, ठीक है ना? तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। चलते हैं इसके हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां ले लेते हैं माइनस टू फोर थ्री वन फाइव सेवन थ्री टू नाइन, और इसका वैल्यू हम लोग को लिखना, ठीक है? अब इसका वैल्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। एक हम तोड़ के बता रहे हैं, ठीक, बाकी आप लोग अपना खुद से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फिर से स्क्वायर रूट के हिसाब से तोड़ने जा रहे हैं। तो पहला एलिमेंट बताए यहाँ पे साइन के साथ लिखना, तो यहाँ का साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन यहाँ का एलिमेंट माइनस टू है, तो माइनस टू में प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या मिलने वाला है, माइनस, हमको माइनस टू यहाँ मिलने वाला है, ठीक है? फिर इस रो को और इस कॉलम को गायब करेंगे तो फाइव सेवन टू नाइन बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे फाइव सेवन टू नाइन, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा पोजिशन, ठीक है, यहाँ का साइन माइनस है लेकिन यहाँ का एलिमेंट प्लस फोर है तो माइनस फोर यहाँ लिख देंगे। फिर इस रो को और इस कॉलम को गायब करने वाले हैं तो वन सेवन थ्री नाइन, यहाँ लिख देंगे वन सेवन थ्री नाइन। फिर यहाँ प्लस थ्री वन फाइव थ्री, ठीक है, यहाँ वन फाइव थ्री टू, तो यहाँ हो जाएगा वन फाइव थ्री टू, लिखा जा सकता है। अब इसको हम क्या करेंगे कि माइनस टू नौ से पांच में गुना करेंगे यानी फोर्टी फाइव, दो में सात से गुना करेंगे माइनस चौदह, ठीक है। फिर यहाँ माइनस फोर है, नौ में एक से गुना करेंगे नाइन, सात में तीन से गुना करेंगे इक्कीस, ठीक है, दिक्कत? उसके बाद प्लस थ्री, दो में एक से गुना होगा दो और तीन में पांच से गुना होगा पंद्रह, हो जाएगा, दिक्कत? तो चलिए अब यहाँ होगा डिटरमिनेंट ए बराबर पैतालीस में से चौदह जाएगा, कितना बचेगा, इकतीस, थर्टी वन, थर्टी वन माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे
तो माइनस 62 यानी माइनस 64 हो जाएगा। तीसरा बचेगा, पांच में चार गया एक, चार में से एक जाएगा तीन, ठीक। नौ में से 21 जाएगा माइनस 12, और माइनस 12 में माइनस 4 से गुना कीजिएगा प्लस 48। कहां माइनस होगा? हाँ यहां माइनस होगा, ठीक पकड़े, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान देते चलिएगा, नहीं तो अगर प्लस माइनस गड़बड़ होगा तो फिर दिक्कत होते चलेगा। दो में से 15 जाएगा माइनस 13, माइनस 13 में 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस 39, तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 39, ठीक है ना। अब इस दोनों को तो प्लस करके इसके साथ माइनस कर देंगे तो 48 में से कितना माइनस कीजिएगा 39, तो माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस में, 39 में 9 जोड़ेंगे तब ना 48 आएगा माइनस में, बस में क्या है। तो यहाँ आ गया प्लस 9, अब प्लस 9 में से 62 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा माइनस 53 आ जाएगा, यानी माइनस 53 टोटल कितना आ गया माइनस, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर थ्री का डिटरमिनेंट, किस ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग तोड़े हैं थ्री का, ऑर्डर थ्री का। तो अब क्या करना है आप लोग को, आप 4.1 टोटल समाप्त हो गया।